अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहत जबीन फ्रॉम डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन। टुडे वी डिस्कस हाउ टू अप्लाई डिज़ाइन थिंकिंग। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, और उसके जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है हम माइंड में रखते हैं व्हेन एवर वी डू डिज़ाइन। सो टुडे वी डिस्कस कि हाउ डू यू अप्लाई डिज़ाइन थिंकिंग, कि हम जो डिज़ाइन थिंकिंग की इतनी बात करें हाउ डू वी अप्लाई, वेन कैन डिज़ाइन थिंकिंग बी हेल्पफुल। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो उस पे आता है कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा जो है उसके डिज़ाइन के पीछे हमारा डिज़ाइन, हमारे कोई थीम क्या है, हमारा आइडिया क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग हेल्पफुल किस तरह से होती है, क्योंकि बेसिकली डिज़ाइन इज़ एज यू नो डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसमें जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग हमें किस तरह से हेल्पफुल होती है। विक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेट आर इल डिफाइंड, बोथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर अननोन एट द बिगनिंग। अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एक्चुअली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। कि जब भी हम किसी बात पे की बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग पे हमारे लिए जो हमारा प्रॉब्लम होता है और जो हमारा सलूशन होता है वो हमारे लिए क्या होता है कि अननोन चीज़ होती है, हमें बिल्कुल उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं, अपना हम प्रोसेस, अपनी रिसर्च, अपना रिसर्च जो है उस के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या है, हम जो है वो प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाता है कि बेसिकली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द बेसिक नीड जो भी हमारे डिज़ाइन की है या हमारे जो है वो डिज़ाइन का बेसिकली मतलब क्या है। And your tricky, it involves quite a bit of risk as you are leaving the comfort zone of the organization. अब क्या होता है कि whenever we are thinking about any solution for the problem, हम अपने comfort zone से थोड़ा सा बाहर निकल के जो है हम चीज़ों को जो है वो देखते हैं। जैसे कि हमने last lecture में देखा कि we are not work as a designer, we work as a design thinker, कि हम लोग design thinker के तौर पे काम करते हैं। हम अपने आप को जो है वो अपने consumer, अपने customer, अपने client की place पे रख के हम उसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो problem जो है वो सॉल्व की जा सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नॉट एवरी प्रॉब्लम डिज़ाइन थिंकिंग क्रिएटिव इंटुएटिव इमोशनल इज नॉट द आंसर टू एवरी सिंगल प्रॉब्लम। कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम होता है कि लाजमी नहीं है कि उसका जो सॉल्विंग प्रोसेस हो या सॉल्विंग चीज़ हो, आंसर हो उसका, वो बहुत क्रिएटिव हो, वो इमोशनली उसमें जो है एक इमोशनल फैक्टर आए या एक इंटुएटिव अपना एक्सप्रेशन आए, वो भी नहीं हो सकता। फॉर सम क्वेश्चन यू विल नीड रैशनल थिंकिंग, spreadsheets, PowerPoint and human resources to come to the valid answer. For example, acquiring a local कंपिटिटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात कर, जब हम ऐसी चीज़ पे हो तो हम क्या करते हैं, हम रैशनल थिंकिंग करते हैं, हम जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, हम जो है वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर उसमें होता है कि हमारा पेपर वर्क आ जाता है, उसमें उसे हमारी जो है एक्सपेंडिचर शीट्स आ जाती हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि लाइक अगर कोई हमारा लोकल कंपिटिटर है तो हम उसको किस तरह से जो है वो बीट कर सकते हैं। अब जो इनोवेशन का प्रोसेस होता है, इन इनोवेशन तीन मेजर चीज़ें होती हैं उसमें। सबसे पहले होता है कोई इनोवेटिव बिजनेस होएगा, इनोवेटिव लोग होएंगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे आज के दौर की हम बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को जो है हम लोग माइंड में रखते हुए हमको जो है वे कम अप विद द रिफाइन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। बिजनेस भी क्या, जब हम बिजनेस को डील करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसकी वायबिलिटी क्या है, लाइक उसकी डेवलपमेंट जो है वो किधर तक हो सकती है, किस पॉइंट तक जो है वो जा सकता है, सक्सेसफुल पॉइंट कौन से तक जो वो डेवलपमेंट जो है वो जा सकती है। अगर हम लोगों की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट डिज़ायरेबिलिटी। कि अगर फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट तो हम देखते हैं कि लोगों का जो है वो डिज़ायरेबिलिटी टूवर्ड दैट प्रोडक्ट क्या है,
है, उसकी तरफ लोगों का रिस्पॉन्स उस प्रोडक्ट की तरफ जो है वो कितना है, तो ये चीज़ भी हम लोग जो है वो माइंड में रखते हैं। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं उसमें हमारा क्या फैक्टर आ जाता है, फिजिबिलिटी। कि हम सबसे पहले वो कीप इन माइंड के ये चीज़ जो हम इतनी टेक्नोलॉजी वाइज हम इसको देख रहे हैं, तो क्या ये फिजिबल होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिजिबल होगी विद इन आर रिसोर्सेज, के जो हमारे रिसोर्सेज हैं या जो हमारा प्रॉब्लम है, अगर हम उसका सोल्यूशन वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में दे रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दैट सोल्यूशन। ये चीज़ भी हम लोग जो है वो माइंड में रखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जूम इनटू द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, कि हम अब थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली किस तरह से है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेस। देर इज नॉट वन सिंगल प्रोसेस और टूल किट दैट सर्व्स एवरी सिंगल केस। देर इज़ अ वाइड वराइटी ऑफ प्रोसेस एंड टूल्स दैट प्रॉब्लम कस्टमाइज टू सर्व देयर नीड्स। इसमें क्या है कि कोई भी किसी भी सोल्यूशन कोई भी एक जो है वो सोल्यूशन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो नहीं हो सकता है। अगर कोई भी हम एक ही सिंपल टूल किट जो है या एक हम लोग ने फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट्स हैं या स्टेप्स हैं वो हर एक प्रोडक्ट या हर एक डिज़ाइन के लिए या हर एक प्रॉब्लम के लिए जो है वो सूटेबल नहीं हो सकते। वी हैव टू डू लाइक ट्राई डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट प्रोसेस उस चीज़ को जो है वो अपने कस्टमर्स के नीड को देखते हुए हम लोग अपनी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ करते हैं। द फाइव स्टेप प्रोसेस इज़ अ मॉडल डैट इज़ ब्रॉडली यूज एंड हैज़ प्रूवन इन वैल्यू। के अब फाइव स्टेप प्रोसेस है जिस जो कि है एक ब्रॉडली जो है वो उस चीज़ को जो है इस चीज़ को कैटर करता है। द ह्यूमन सेंटर्ड प्रोसेस, उसमें तो ह्यूमन सेंटर्ड प्रोसेस में क्या है कि हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसका डायरेक्ट लिंक है लोगों से, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने डिज़ाइन को अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली या क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो है उसका सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। उसमें हमारा मेन फैक्टर क्या होता है कि हमारा फिजिबिलिटी, हमारे डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टूवर्ड पीपल क्या होएगी। एन इटरेटिव साइकिल प्रोसेस, उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि ये पांच स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एम्पथाइज आ जाता है, डिफाइन आ जाता है, आइडिया आ जाता है, प्रोटोटाइप आ जाता है एंड देन टेस्ट आ जाता है, और टेस्ट के बाद फिर एम्पथाइज पे हम लोग जो है चले जाते हैं। एम्पथाइज अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस सिचुएशन एंड इमोशन ऑफ द पर्सन हु यू आर वर्किंग फॉर। कि सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं कि हम उसका सिचुएशन और उसका इमोशन देखते हैं उस किसी भी हम अपने क्लाइंट का जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं कि उसका क्या है। सबसे पहले हम उसका जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी सिचुएशन और इमोशन क्या है। ऑब्जर्व यूजर्स एंड देयर बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लाइव्स, कि हम यूज़र का जो है बिहेवियर जो है उनके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लाइफ जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इंगेज विद पीपल इन कन्वर्सेशन एंड इंटरव्यू, आस्क व्हाई। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि एक हम लोग आजकल गूगल डॉक पे जो है हम एक सर्वे लेते हैं, तो इसी तरह से पहले हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू डैट प्रोडक्ट हम लोगों से उसकी जो है वो क्या करते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं टूवर्ड डैट प्रोडक्ट या टूवर्ड डैट डिज़ाइन, के उनका जो है वो अप्रोच क्या है या उनकी उस चीज़ को लेकर थिंकिंग जो है वो क्या है, उनकी जो नीड है टूवर्ड डैट प्रोडक्ट वो क्या है। वॉच एंड लिसन, आस्क समवन टू कंप्लीट अ टास्क एंड टेल यू व्हाट दे आर डूइंग। कि हम क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने एक डिज़ाइन बनाया है या कोई एक हमारा प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं उसको जो है वो लोगों को जो है वो उसमें प्रेजेंट करते हैं एंड देन उनको बोलते हैं कि उनको जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट को लेके, फिर उसकी बेसिस पे जो है हम वो जो क्या करें एंड रिजल्ट तक जो है वो पहुँचते हैं। सेकेंड नंबर पर आ जाता है डिफाइन प्रोसेस एंड सिंथेसाइज और द फाइंडिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू डैट विल यू डैट यू विल एड्रेस। अब
क्या होता है कि हम जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं या जो लोगों का कंसर्न होता है टूवर्ड दैट प्रॉब्लम, उसको क्या हम करते हैं, उसको हम जो है वो उस पर फोकस करते हैं. यूज़ इट डिवेल्प एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ पर्सन यू आर डिज़ाइनिंग फॉर, कि जो हमारा यूज़र है कि हम डिज़ाइन बना किस चीज़ किसके लिए रहे हैं, हमें ऑब्वियसली उस पर्सन को अंडरस्टैंड करना, उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो उसकी लाइक वो चाहता है कि उसकी नीड क्या है. भी हमारे पास आ जाती है नीड सिंथेसाइज एंड सिलेक्ट अ लिमिटेड सेट ऑफ नीड्स डेट यू थिंक आर इम्पॉर्टेंट टू फुलफिल. अब क्या होगा कि उस हमने यूज़र अपने का देख लिया कि उसकी बेसिकली डिज़ायर क्या है, देन वी लाइक पॉइंट आउट द नीड्स, कि हम उसकी नीड्स क्या को पॉइंट आउट करते हैं कि बेसिकली उस प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशन की नीड जो है वो क्यों ज़रूरी है या उसकी क्या क्या नीड्स हैं टूवर्ड द सोसाइटी और जो भी हमारा प्रोडक्ट है. इनसाइट एक्सप्रेस इनसाइट यू डिवेल्प एंड डिफाइन प्रिंसिपल, देन वी एक्सप्रेस के हमारा जो है वो डिवेलपमेंट प्रोसेस क्या है और हम जो है वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को जो है हम फॉलो करेंगे. थर्ड हमारा आ जाता है आइडिया, फोकस ऑन द आइडिया जनरेशन. जब हमने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया डेवलपमेंट को, हमने वगैरह देख लिया, ठीक है, फिर हम आइडिया जनरेट करते हैं टूवर्ड जो भी हम लोगों ने जो हम उनकी यूज़र की नीड्स थी या जो उनकी एक्सपीरियंस था या उनकी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो था वो हम लोग एक अपना आइडिया जो है वो टूवर्ड डेट प्रॉब्लम जो है वो डिवेलप करते हैं. यूज़ ट्रांसलेट प्रॉब्लम इंटू सोल्यूशन, एक्सप्लोर अ वाइड वराइटी एंड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ आइडियाज़ टू बी बियॉन्ड द ऑब्वियस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. What is the major role of designer as a design thinker is के we come up with a idea or a solution जो कि बहुत जो obvious ना हो, जो कि already जो है वो implement ना हुआ हो. हम लोग उस चीज़ को creatively जो है वो उसके deep down जाके उसकी सारे points out करके उसकी needs को उसकी जो maximum possible उसके हो सकते हैं solution हम क्या करते हैं वो हम लोग निकालते हैं. क्रिएटिविटी कम्बाइन अनकॉन्शियस विद द रैशनल थाट्स एंड इमेजिनेशन. अब क्या होते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को जो है हम अपनी इमेजिनेशन को जो है हम रैशनल थिंकिंग के साथ विद रीजनिंग जो है हम जो है वो पॉइंट आउट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के टूवर्ड. ग्रुप्स एनर्जी लेवरेज द ग्रुप टू रीच आउट न्यू आइडियाज़ एंड बिल्ड अपॉन अदर आइडियाज़. अब क्या है कि हम जो हमारा आइडिया है हम उसके बियॉन्ड देखते हैं कि उसके आगे भी है जो इस आइडिया पे क्या काम हो सकता है. सेपरेट द जनरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ आइडियाज़ टू गिव इमेजिनेशन एंड अ वॉइस. अब क्या होता है कि जो हमने इवेल्युएशन की है आइडिया की और जो हमने उसको हम एक इमेजिनेशन वॉइस देते हैं कि अच्छा इसकी विजुअल डिपिक्शन क्या होएगी या इसका जो एंड प्रोटोटाइप है वो क्या होएगा, अगर हम ट्रायल के लिए उसे दे रहे हैं तो वो किस तरह से होगा. नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटोटाइप. आफ्टर जनरेटिंग द आइडिया एंड अ विजुअल फॉर इमेजिनरी फॉर द सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटोटाइप करते हैं. बिल्ड टू थिंक अ सिंपल चीप एंड फास्ट वे टू शेप आइडिया सो डैट यू कैन एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद देम. अब क्या होता है कि हम अपने आइडिया और अपने जो हमने सोल्यूशन बनाया होता है जो सोल्यूशन हमने निकाला होता है उसको क्या करते हैं, एक हम शेप देते हैं, हम एक डिज़ाइन फॉर्म देते हैं ताकि हम उसको जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसका ट्रायल ले सकें. स्टार्ट बिल्डिंग क्रिएट एन आर्टिफैक्ट इन लो रेजोल्यूशन, दिस कैन बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ डिजिटल क्लिकेबल स्केच. डू इट क्विक एंड डर्टी. क्या होता है कि सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं. रफ स्केच के हमारा विजुअल बेसिकली जो है उसका स्टार्ट स्केच उसका क्या है, उसकी लुक क्या है, फाइनल पे हम बाद में जाएंगे. वो करके हम उसका जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो कम रेजोल्यूशन पे जो है हम लोगों से को जो है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेते हैं. स्टोरी बोर्ड क्रिएट अ सिनेरियो यू कैन रोल प्ले इन अ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लेट पीपल एक्सपीरियंस योर सोल्यूशन. देन वी क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, हम एक सिनेरियो डिवेल्प करते हैं टूवर्ड दैट प्रॉब्लम और लोगों को जो है एक्सपीरियंस करवाते हैं वो सोल्यूशन जो हमने टूवर्ड दैट प्रॉब्लम जो है वो हमने जनरेट किया है या डिज़ाइन किया है. फिफ्थ पे आ जाता है आस्क फॉर द फीडबैक ऑन योर प्रोटोटाइप्स.
लर्न अबाउट योर यूज़र, रीफ्रेम योर व्यू एंड रिफाइन योर प्रोटोटाइप. अब क्या होता है कि जो उस जो हमने एक सोल्यूशन हमने उसका क्रिएट किया, उसको हमने लोगों के साथ एक और फिजिकल इन्वायरमेंट में हमने उसको एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो लोगों का फीडबैक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक जो है हम अपने जो है जो डिज़ाइन है उसको जो है वो रिफाइन करते हैं, उसको रीफ्रेम करते हैं और एक एंड जो है डिज़ाइन पे हम बनाते हैं. लेट पीपल यूज़ योर प्रोटोटाइप, गिव इट इन देयर हैंड्स एंड लेट देम यूज़ इट. लिसन टू व्हाट दे से, कि क्या कहते हैं, हमने जो प्रोटोटाइप बनाया होता है हम उनको क्या कहते हैं, लोगों को जो हमारा जो जिनको हम सोचते हैं कि ये हमारे क्लाइंट हैं या ये हमारे कंज्यूमर्स हैं या ये हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनके फीडबैक के लिए लोगों को देते हैं. क्रिएट एक्सपीरियंस, लेट पीपल टॉक अबाउट हाउ दे एक्सपीरियंस इट एंड हाउ दे फील, कि जो उनकी फील और उनकी एक्सपीरियंस है, जो हमें एक जो फीडबैक मिलेगा डैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ आर एंड रिज़ल्ट, कि हमारे जो एंड रिज़ल्ट होगा वो उसके लिए बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको जो है हम जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिज़ाइन थिंकिंग, तो ये चार पांच चीज़ें हैं जिनको हम अपने माइंड में जो है वो रखते हैं कि किस तरह से हम जो है पहले अपने जो हमारा क्लाइंट है या जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं रैशनली, इमोशनली, फिजिकल एक्सपीरियंस के साथ, के डिज़ायरेबिलिटी देखते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं उस चीज़ की, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके टूवर्ड जो है हम आइडिया जनरेट करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं टूवर्ड दैट प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं. और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं फॉर फर्स्ट ट्रायल टू गेट फीडबैक फ्रॉम द पीपल टूवर्ड दैट सोल्यूशन, के उनका फीडबैक क्या है, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम जो है वो अपना जो डिज़ाइन है या जो हम अपना प्रॉब्लम है उसको हम रीफाइन करते हैं, रीफ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू डैट फीडबैक. और फिर जो है हम जब एक उस फीडबैक के बाद एक चीज़ बनाते हैं, उसको जो हम टेस्टिंग के लिए दोबारा से लोगों के साथ उन शेयर करते हैं, ताकि जो है लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें और हमें पता चल सके कि हमारा जो सोल्यूशन है टूवर्ड डैट प्रॉब्लम या कोई भी हमने जो प्रोडक्ट बनाई है लोगों के लिए वो कितनी जो है वो यूज़ेबल है और कितनी यूज़ेबल नहीं है. ये चीज़ें थी, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू सो मच.